वेलकम बैक, स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ असौला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिल्ली की इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे आप सफारी का मजा ले सकते हैं, वो भी जस्ट 20 रुपए में। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या देख सकते हैं। इतने सारे जानवर यहाँ पे होते हैं शाम के टाइम और सुबह के टाइम। यहाँ पे ड्राइव करने का बहुत ही ज्यादा मजा है, बहुत जबरदस्त सफारी है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो लेके चलते हैं आपको असौला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिल्ली की इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए मेरे साथ। सर यहाँ पर टिकट कितने का है यहाँ का? 10 रुपए का है सर। 10 रुपए का? 10 रुपए। 10 रुपए एंट्री है बस? हाँ, 10 रुपए पार्किंग के, गाड़ी के, और 10 रुपए है कैमरा चार्ज। 10 रुपए कैमरा चार्ज और 10 रुपए गाड़ी पार्किंग के, बस 20 रुपए। 20 रुपए की एंट्री है पूरे जो अरे रास्ता सूरजकुंड से भी जा सकते हैं इससे? हाँ, 3 रास्ते है, 1 7 नंबर और तुगलकाबाद मेन गेट है जो 10 नंबर। चलो थैंक यू। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं असौला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भैया नीली झील का, नीली झील यहाँ पे हिरण वगैरह कहाँ दिखेंगे? हिरण दिखेंगे वहां पे? चलो आगे कोई रास्ता है? और हमारे ड्राइवर साहब को आज काफी तकलीफ हो रही है, बस ब्रेक 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 ब्रेक। भाई तू मत नहीं यार ये चलाने नु भाई, ओ भाई रुको भाई, रेस मत दे इतना, पूरा घाट पहले बस हल्का सा पंजा दबाए रख भाई, रेस पे पैर मत रख। डीपी भाई भगवान कसम मेरे को दिन में तारे दिखा दी, गाड़ी चला रहा है ये, इसने मेरे को दिन में तारे दिखा दी। लेपड़ नीचे है मेरे को गाड़ी वापस चाहिए, मेरे को गाड़ी सीट पे बिठा दे भाई। भाई आराम से चला, आराम से। अरे भाई आराम से चल ले भाई, बंदे भाई देख 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 देख, मजाक कर रहा हूँ यार। ब्रेक लग जाते हैं वो ब्रेक दे भाई, दिखेगा तभी तो, पर मेरे को तो गाड़ी दिख रही है भाई, तू गाड़ी गलत देख रहा है। तो गाइस मेरे को पता नहीं यहाँ पे हमें क्या दिखने वाला है, बट डीपी भाई ने मेरे को दिन में तारे दिखा दिए, इतनी जबरदस्त गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है ये तो। सिग्नल है, कोई नहीं है आसपास, कोई भी जानवर तो है ही नहीं, गाड़ी का नाम निशान नहीं है, फिर भी भाई साहब की ड्राइविंग देख के मैं डर गया भाई, मैं डर गया सच में, जंगल में डरा दिया इसने मेरे को। तो गाइस अभी हम चलते जा रहे हैं नीली झील की तरफ, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास नीली झील है जो बताया जा रहा है।
क्विक रिस्पांस टीम है ये। तो गाइज यहाँ पे अंदर जंगल में तो क्विक रिस्पांस टीम भी गवर्नमेंट ने एक सेटअप कर रखी है, अगर कुछ भी किसी भी टूरिस्ट को कुछ इश्यूज होते हैं या फिर कोई जानवर उनको कुछ किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत आती है तो क्विक रिस्पांस टीम आपको यहाँ पे मिलेगी, बहुत इजी यहाँ पे रीच कर जाते हैं वो लोग। और यहाँ से गाड़ियों में घूमने में ही ज़्यादा मज़ा है, अगर आप पैदल चलेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है आप घूम नहीं पाओगे। तो गाइज हमें अभी बताया गया है कि नीली झील के आसपास आपको काफ़ी जानवर देखने को मिलेंगे, चलता रहे नीली झील के आसपास आपको काफ़ी जानवर देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी वहाँ पे पानी का स्रोत है, तो इतनी धूप के आसपास शायद जानवर भी अंदर ही होंगे अपने गुफाओं के अंदर। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हमें कुछ अब दिखेगा या नहीं दिखेगा। अभी एक घंटे हो गया मैं घूमते हुए, अभी तक हमें सिर्फ वाइल्ड बोर दिखा है एक, और मकैक तो आपको हर जगह ही दिख जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कुछ ज़्यादा मिल जाए यहाँ पे देखने के लिए। हम शायद हमने गलत टाइम चूज करा है, हम लोग आए हैं 2 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 2 ही बज रहा है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो शायद जानवर हमें कम दिखे इस टाइम पे। बट इसमें वैसे बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा एनिमल्स हैं, अगर आप आओगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा। तो गाइज आप मेरे पास देख सकते हैं लेपर्ड ने एक गाय का शिकार किया हुआ है यहाँ पे, और लिटरली बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट मेरे को अब लग रहा है। फाइनली जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं ताकि लेपर्ड अपने शिकार के पास वापस ज़रूर आएगा। यहाँ पे काफ़ी बदबू भी आ रही है, तो मैं जाता हूँ आगे की तरफ इससे पहले कि लेपर्ड आ जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं वहाँ पे वो एक गाय को मार रखा है लेपर्ड ने। तो गाइज फाइनली हमने लेपर्ड का शिकार देख लिया है, यहाँ पे लेपर्ड नहीं दिखा बट लेपर्ड ने जो शिकार करा वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और देखते हैं नीली झील पे हमें क्या मिलता है। अभी हम लोग नीली झील की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जो जानवर हैं अभी शायद धूप में इतने हैं नहीं, बट वहाँ पे सामने मेरे को कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं नीली झील, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं चलता हूँ आपको नीली झील के दर्शन कराने। तो चलिए मेरे साथ। तो गाइज आप मेरे पीछे मेरे साइड में देख सकते हैं ये है नीली झील, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे अभी बताते हैं कि शाम को और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आपको काफ़ी जानवर देखने को मिलेंगे। हम गलती से धूप के टाइम में आ गए, काफ़ी धूप है अभी 2 बज रहे हैं, तो जानवर इन्होंने बोला कि दिखेंगे बहुत मुश्किल दिखने का चांसेस है, बट यहाँ पे बहुत सारे जानवर है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ में नीली झील है, और इस नीली झील को अगर आप दूर से देखेंगे तो इतनी बड़ी झील है, यहाँ पे इवन एक वाटरफॉल भी गवर्नमेंट ने बना रखा है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप मैं दिखाता हूँ वहाँ पे, अगर देखेंगे तो वो है वाटरफॉल, तो जिसको गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है। काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को, अगर यहाँ पे अच्छे से मौसम में आया जाए तो इस जगह की बात ही कुछ और है। तो भाई अभी अब तक हमने दिखाया है एक सुअर, वाइल्ड बोर बोल लो, और पीकॉक, और देसी गाय, और नीली झील, और एक लेपर्ड का शिकार। उससे ज़्यादा हमें कुछ दिखा नहीं है अभी तक यहाँ पे फिलहाल, और इतनी धूप है। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो काम करते हैं वो लोग कह रहे हैं इतना यहाँ पे जानवर बहुत सारे हैं बट धूप में नहीं दिखेंगे आपको, या तो शाम को इवनिंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो कभी भी आप प्लान करें तो दोनों टाइम में से कोई भी चूज़ कर ले, हमने गलत टाइम चूज़ कर लिया तो आप मत करना प्लीज़। यहाँ पर लेपर्ड किस किस टाइम हम देख सकते हैं? शाम के टाइम 7-8 बजे तक। हाँ 7-8 बजे तक आसपास देख सकते हैं। हाँ आपको दिखा था आज? हाँ सर गेट के पास आया।
आज ही गेट के पास लेपर्ड घूम के गया, जहाँ से हमने सुबह पाँच बजे जब हमने एंट्री करी है तो लेपर्ड वहाँ गेट पे था, भाई ने देखा था। हाँ देखा। यहाँ पे कितने लेपर्ड्स हैं? आठ। यहाँ पे आठ से दस यहाँ पे लेपर्ड है। और यहाँ पे वॉक करना बहुत ही खतरनाक है, गाड़ी से कभी मत उतरना। अटैक भी कर चुका है कि कभी किसी पे? वो जानवर पे कर चुका है, अभी इंसान पे नहीं करा। अभी उसने इंसान पे कोई अटैक नहीं करा है, तो प्लीज आप बच के रहिएगा। कभी भी वाइल्ड लाइफ सोलह भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं तो गाड़ी से नहीं उतरना है, क्योंकि वहाँ पे लेपर्ड्स काफी ज्यादा हो चुके हैं अब। तो चलो गाइस, झूठ लग रहा हो, सही में है लेपर्ड भाई, वो देखो वो फोटो भी छपी है उसकी, वो देखो। तो गाइस यहाँ पे लक्ष्मण जी ने काफी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलो गाइस चलते हैं वाटरफॉल के पास, लेपर्ड हमें दिखे ना दिखे, अब वाटरफॉल तो हमें दिखी गया, नीली झील दिख गया, वाटरफॉल के पास चलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और मेरे को यहाँ पे अभी एक लेपर्ड दिखा है। प्लीज़ शांत रहना, प्लीज़ वीडियो को बहुत प्यार से देखना, यहाँ पे आपको मैं लेपर्ड दिखाने वाला हूँ। डीपी कहाँ गया? नीचे कहाँ पे? नीचे उतर गया बोट के पास। बोट के पास पहुंच गया वो? अरे भाई क्या करके मानेगा, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे मजाक नहीं है। मैं सच में तुम दोनों को वहां तक देख के आया था। तो भाई अभी यहाँ पे ना हमें आधे घंटे से मैंने को ढूंढ रहा था, तो ये लोग वाटरफॉल की तरफ से लेके नीचे और मैं रह गया ऊपर। मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी के पास भी नहीं मिले और ये जंगल में मेरे को मिले हैं। भाई कहाँ रहते हैं ये लोग? जंगल में इधर उधर मत हो भाई, लेपर्ड ने अभी तक किसी को अटैक नहीं करा, बट तेरे को जरूर करेगा। मैं तेरे को आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया, मैं गाड़ी के पास भी चला गया था। भगवान का नीचे तक गया तू? कोई स्टार्ट हो जा रहा है क्या? चला रही है। सिंगल है किस चीज का? नहीं नहीं भैया रुकना भाई, हाथ जल गए। आराम से डीपी, आराम से। ओ भाई क्या करके मानेगा, मेरा तो प्रैक्टिस भाई, हम एक तरफ से मेरा प्रैक्टिस, वो दिक्कत हो जाएगी मुझे आगे। हाँ। तो पहले मैं पकड़ लूंगा कोई, तो पहले रुक जा, एक को उतरने दे भाई। अबे रुकता जा, रुक जा डीपी डीपी डीपी, रुक भाई, रुक जा ना, अबे रुक जा, रुक जा भाई, तू पहले इसे जाने दे, विनीत तू साइड हो जा भाई। डीपी बहुत आराम से जींस पहनी हुई तूने। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ नीली झील और मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने। बोटिंग नहीं करूंगा, सॉरी माफ करना, क्योंकि यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे नीली झील जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह स्टार्ट हुई है, शायद लगेगा इसको अगले साल तक ये स्टार्ट होगा। तो नीली झील के पास बैठ के काफी मजा आ रहा है, पानी भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और जितना ऊपर से खूबसूरत है उससे ज्यादा ही पास आके और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। जितनी खूबसूरत नहीं खतरनाक है, गहरी बहुत ज्यादा है भाई साहब, बहुत ज्यादा गहरी है। तो मैं यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा लिए, मैंने यहाँ पे ज्यादातर सारी चीज कवर करके दिखा दी है आपको। अब मैं जाता हूँ वापस, चलते वक्त देखते हैं हमें कुछ जानवर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बट यहाँ तक का मैं अभी तक का जो एक्सपीरियंस अपना बताऊँ तो बहुत अमेजिंग था, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो ये है वाटरफॉल, ये है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वाटरफॉल जहाँ पे हम लोग आज इसी के लिए आए थे। तो पानी मैंने सुना बहुत ठंडा है इसका,
और ये बिल्कुल फील दे रहा है हिल स्टेशन वाली। मैं पीने की कोशिश करूँ नहीं करूँगा इसको, पता नहीं कैसा पानी होगा, बट मुंह धो लेता हूँ भाई। आने का मन कर रहा है। तो गाइस फाइनली नीली झील हम कवर करके आ चुके हैं। आपने देखा मैं कैसे खतरनाक तरीके से नीचे उतरा था भाई। एक बार तो मेरे को लग रहा था मैं वापस चढ़ूंगा, चढ़ भी पाऊंगा या नहीं। तो खैर नीली झील पे आने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे उसके पास जाके जितनी खूबसूरती है ना, ऊपर से उतना मज़ा नहीं है। ऊपर से बस देखने में ठीक है, बट जो पास जाके मज़ा है ना जबरदस्त है। वहाँ का जो वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल में जो मैंने पानी पिया था। तो चलो चलते हैं वापसी की तरफ, देखते हैं कोई जानवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो भी ठीक, मज़ा तो काफ़ी आ ही गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चलो तो गाइस हम लोग बैठ गए गाड़ी में और हम चलते हैं वापस। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और चल रहे हैं वापस की तरफ। और देखते हैं भाई एसी फुल कर दे बनी। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त गर्मी पड़ रही है भाई, फाइनली गर्मी का एहसास हो गया। हाँ गाइज हमारे सामने इस टाइम पे स्पॉटेड डियर है और ये अकेला है, शायद इसके आसपास और भी लोग हो सकते हैं। तो गाइज हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ और रास्ते में हमें जाते वक्त भी काफी जानवर दिखे, नेवला दिखा और हिरन दिखे, बहुत सारे पीकॉक्स वगैरह भी दिखे हैं। तो ऑलमोस्ट इतनी दोपहर में अगर इतने जानवर भी आप स्पॉट कर लेते हो तो काफ़ी चीज़ अचीवमेंट है अपने आप में। तो चलो मैं देखता हूँ जाते वक्त अगर कुछ और भी मिल जाएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। ये वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, चलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन।